हेलो ना सर, आज एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे मेन क्वेश्चन है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। देखिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग एक आ गया, यहाँ पे एक बैट्समैन है, उसने टोटल 30 बॉल प्ले करी, मतलब उसको 30 बॉल प्ले करने के लिए मिली, जिसमें से उसने 6 बार बाउंड्री को हिट किया। ओके, आपको ये बताना है कि कितनी बार, या फिर मतलब कह सकते हैं यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उसने कितनी बार बाउंड्री को हिट नहीं किया है। ठीक है, कितनी बार उसने बाउंड्री हिट करी? 6 टाइम्स। आपको बस प्रोबेबिलिटी क्या होता है, संभावना होती है, हिंदी में इसका अर्थ यही होता है। तो आपको ये बताना है कितनी बार उसने बाउंड्री को हिट नहीं करा है, इसकी संभावना बताइए। प्रोबेबिलिटी मतलब यही होता है। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए इसके लिए आप लोग सबसे पहले लेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड बाई बैट्समैन, प्लेड बाय बैट्स, यहाँ बैट्समैन की बात नहीं हो रही है। सो इसके लिए हम लोग, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल इसने कितनी खेली, 30 खेली, जिसमें से इसने बाउंड्री कितनी हिट करी, बाउंड्रीज हिट 6, मतलब कि 30 में से उसने 6 बॉल जो थी उसमें बाउंड्रीज हिट करी हैं। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ बॉल्स इन विच शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि कितनी बॉल्स उसने वेस्ट कर दी, मतलब वेस्ट नहीं, या फिर ये कह सकते हैं कितनी बॉल्स पे उसने बाउंड्री हिट नहीं करी है। देखिए टोटल बॉल थी 30, जिसमें से उसने 6 बॉल पे बाउंड्री हिट कर दी। सो यहाँ दोनों को माइनस कर देंगे तो ये 24 आ जाएगा, मतलब जो 24 बॉल्स है इस पे इसने बाउंड्री को हिट नहीं करा है। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, नंबर नहीं बताना है। प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमारा इवेंट होगा, इवेंट जैसे कुछ भी हो, बाउंड्री को हिट करना, बाउंड्री को हिट नहीं करना, कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आना या टेल आना, तो उसको ब्रैकेट बना के अंदर लिखा जाता है। सो इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना है, शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, इसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। देखिए ये इक्वल्स में रखेंगे इसको, इसमें हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स जिसमें उसने बाउंड्री को हिट नहीं कराया अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स इन विच शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमें वो बॉल्स लेनी है जिसमें उसने बाउंड्री को हिट नहीं करा, वो कितनी है, 24 है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स उसने कितनी ली थी, 24 अपॉन 30। आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो कैंसिल करने के लिए 3 से इसको 8 टाइम्स, 3 से 10 टाइम्स, और भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 से ये 4 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 4 अपॉन 5, ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, सो आप इसको ऐसे फाइंड करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी आप कभी भी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा कभी नहीं आती है, हमेशा आएगी या तो 1 आएगी एकदम एग्जैक्ट, या उससे नीचे जाएगी, 1 से ऊपर नहीं जा सकती कभी भी। अगर आप यहाँ पे 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 से नीचे आएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर ये आंसर 5/4 आ जाता है इस तरह से, तो ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, कोई चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें आप 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 point something कुछ आएगा, जो 1 से बड़ा चला जाएगा, तो इसलिए ये आंसर को एकदम गलत कर देगा, कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर आ जाएगा एक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आपका आंसर आना चाहिए 1 से छोटा आना चाहिए या फिर 1 आना चाहिए, तभी आपका प्रोबेबिलिटी सही है।
प्रोबेबिलिटी का एक प्लस पॉइंट यही होता है कि आपको जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें आपको पता ही होगा कि आंसर क्या आएगा, और आंसर हमेशा वन या उससे छोटा ही आएगा। सो आई थिंक आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ रिसर्च टू क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।